बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, आज सुबह सुबह मैं नहा वहा कर रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, आई मीन नाश्ता करने। और नाश्ते में यहाँ कुछ बना है स्पेशल कल के पारण के लिए। कल हमने फास्टिंग जो किया था तो उसके पारण के लिए हमने कुछ आज स्पेशल बनाया है। तो जा रही हूँ मैं करने और भाभी बना रही हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए और आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कीजिए। और क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, किष्टू जग तक मस्ती कर रही है। कितनी मस्ती कर रही है ये अपनी अनन्या दीदी के साथ। तो ये एक्चुअली घसकते घसकते आगे बढ़ने की बजाय पीछे घसकती है। तो आगे ज़्यादा थी, पीछे घसकते घसकते बिल्कुल बेड के साइड में चली गई है। बहुत शैतान, बहुत बदमाशी करती है, पलटी पलटी मारती है ये। तो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग को रहना पड़ता है इसके साथ। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे। तो ये मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने रिफाइन से मोम भी कर दिया है और इसमें खाने वाला मीठा सोडा भी डाला है। तो इधर देखिए, हमने जो चने भिगोए थे रात को छोले के, उसे उबलने के लिए रख दिया है। देखिए, मैंने लिया है दही, इसमें मैंने पानी को मिक्स कर लिया है और इससे मैं मैदे को गूंथूंगी, यानी सानने जा रही हूँ आटे की तरह। आप अपने अंदाज से जैसे आटा सानते हैं इसी तरह से सान दीजिए। फ्रेंड्स, ये आटा सन गया है मैदा का दही के साथ। अब इसमें हल्का सा रिफाइन ऐसे लगाकर इसे कोई ऐसे बर्तन में रख दीजिए एक दो घंटे के लिए, जो पूरा पैक हो, मतलब उसमें हवा ना जा सके। एकदम टाइट बंद करके या ढक कर उसको रख दीजिए दो घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चना उबल गया है। हमने चने को रात में ही भिगो के रख दिया था और सुबह होते ही हमने इसे कुकर में डालकर थोड़ा नमक डालकर उबाल दिया है। तो इसमें हमने दो तरह का चना डाला है। कल वो ब्राउन वाला चना भी रह गया था तो हमने इसे मिक्स कर दिया है दोनों को। तो देखिए देखिए, एक तरफ कुकर में प्याज भून रहा है और प्याज को हमने जीरा मिर्ची से छौंक कर फिर प्याज डाल दिया और उसमें आधी लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डालकर फ्राई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसमें टमाटर हमने डाल दिया है। ये देखिए, वो भी फ्राई हो रहा है। और इधर देखिए, हमारा चना भी निकल गया है कुकर से। ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। तो बस हम इस मसाले को इसमें गलने के लिए रख देंगे। दो तीन सीटी डलवा कर ये मसाला, मतलब इसमें सारे मसाले डालते हैं, हल्दी, धनिया, छोले मसाले, तुलसी, जीरा पाउडर, जो भी सारे मसाले होते हैं जो आप डालते हैं छोले में, सब डाल कर इसे हम गलने के लिए 3-4 सीटी लगवाएंगे। और उसके बाद फिर हम उसमें छोले डालकर इसे फ्राई करेंगे। देखिए आप लोग, धनिया पाउडर डल गया है, हल्दी डल गया है। ये देखिए, इसमें गुलकी जीरा पाउडर और भाभी ने छोले मसाले भी डाले थे, उसकी क्लिप नहीं ले पाई। अब इसे हम ढक कर बंद करके गलने के लिए सीटी लगवाएंगे और उसके बाद उसमें छोले डालकर। देखिए फ्रेंड्स, ये भटूरे और छोले रेडी हो चुके हैं। तो हमने जैसे बताया था, कुकर में ग्रेवी करके, मतलब सीटी लगाकर फिर हमने उसे छोले को डाल दिया उसमें और 2 सीटी लगाकर बस रेडी छोले मसाले डालकर। और हमने जो आटा छाना था वो है और उसे हमने छान दिया है। देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट और कितने फुले फुले हो रहे हैं भटूरे। और ये देखिए, भाभी छान रही हैं। तो इस तरह से ये देखिए इसका आटा। चलिए, हम तो चले छोले भटूरे एंजॉय करने और आप भी एंजॉय कीजिए छोले भटूरे बनाकर। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा है सुबह सुबह नाश्ते के लिए। कल हमारी फास्टिंग थी, आज हमने सोचा कि चलिए छोले भटूरे से हम अपना व्रत तोड़ते हैं। तो चलिए, हम तो चले एंजॉय करने, आप भी एंजॉय कीजिए इस नाश्ते को। नाश्ता तो रेडी हो गया है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आए तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दी है, शॉर्ट में ही दी है क्योंकि सब लोग तो खैर बनाते ही हैं। देखिए मेरे छोले भटूरे, तो चलिए मैं तो जा रही हूँ एंजॉय करने, और चलिए आप भी एंजॉय कीजिए। देखिए मैं अपना और भाभी का खाना ला दी हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं खाने। तो देखिए चलिए नाश्ता करते हैं, और देखिए बाबू सोई है वहाँ, उसको किस तरह से ढक के हम लोग ने सुला दिया है, बहुत बदमाश हो गई है, पलटी मारती है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग उसको सेफ्टी के लिए वैसे रखे हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, और आप भी एंजॉय कीजिए। ये देखिए मैं भी आम खा रही हूँ, देखिए अनन्या तो खा भी ली। ये पहला आम है पका हुआ जो मैं खा रही हूँ, कल थोड़ा सा खाई थी फास्टिंग में और आज खा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा कम मीठा है पर अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये देखिए ले मेरे बेटा, क्या हो गया? इन लोग की तो शैतानी चलती रहेगी, मैं तो अपना आम खा रही हूँ। मेरा फेस पे का पूछिए, गंदा है तो मैं फेस पे तो पूछ ही दी है, पूछिए चलिए फ्रेंड। ये बहुत शैतान हो गई है, जब से दादी के घर से यहाँ, मतलब दादी और नानी के घर घूम रही है, तब से बहुत शैतान हो गए हैं दोनों। बस मैं वहाँ जाऊंगी अंदाज इन लोगों की खबर लूंगी, यहाँ तो इन लोगों को कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, दादा यहाँ नाना नानी सब लोग बिल्कुल एक शब्द नहीं इन लोगों को बोलने देते हैं। इसलिए ये देखिए क्या हो गया, क्या चाहिए बोलो, ठीक है लाती हूँ, चलिए इसको और आम चाहिए, मैं इसको देती हूँ खाने के लिए, आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। Take care और
और पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।